वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो चलिए गाइस, आप लोगों को मैं पहले से बताता हूँ कैसे गया, कैसे मैं जल ढाला वहाँ पर और क्या क्या क्या। तो चलो लेट्स एंजॉय द वीडियो। जब हम लोग घर से बाहर निकले जल लेने के लिए, तब 4:30 बज गई थी और अंधेरा अंधेरा हो रहा था। बारिश इतना तेज़ हो रही थी कि हमारे जो फ़ोन है वो भी भीग रहा था और उसका कैमरा का ऊपर भी जा रही थी। तो देख सकते हो गाइस, जो पहाड़ है वो अद्भुत सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर नज़र लग रही है यहाँ से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप सभी को मेरे तरफ से सावन मास का लास्ट सोमवार का और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का शुभेच्छा। तो आज हम सुसुनी आए हैं जल लेने के लिए, तो हम लोग जल ढालेंगे। हम मेरा साथ है, ये है मेरा साथ। तो हम अभी लाइन में इतना बड़ा लाइन। आज स्वाधीनता दिवस है, इसलिए यहाँ पर भी तिरंगा लहर रहा है। तो गाइस, कितना छोटा छोटा जो बच्चे हैं वो भी जल ढालने के लिए आए हैं। तो हम इंडिया का कलर लगा लिया और शिव का भी कॉम्बिनेशन। तो चलो फिलहाल तो घर चल रहा है। हाय हाय करे बाबा। Arar mı abi?
हर हर महादेव, हर हर महादेव। कि आप लोगों ने देखा कि मैंने जल ढाल लिया, बता के उत्तोलन करेंगे। चलो वंदे मातरम, जय भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, श्रीराम बोस की जय। हर घर पतंग, तो गाइस देख सकते हो अभी हो रही है, दबा के वायर भी हो रही है अभी। तो गाइस आज इतना ही, तो मैं आज क्या क्या किया थोड़ा बहुत दिखा दिया कि कैसे मैंने जल ढाला और क्या क्या किया स्वाधीनता दिवस में, कैसे पताका उत्तोलन किया, ऐसे थोड़ा बहुत आप लोगों को मैंने दिखा दिया। तो आई होप कि ये वाला ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इसी तरह और इससे भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उल्टा दिखाई टाइम जो नहीं है।